हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आपके लिए हम लोग एक और केमिस्ट्री का जो बहुत ही कमाल का टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री का, वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं, जिसमें आप कायरलिटी का जो एक सिमेट्री ऑपरेशन है वो यहाँ पे आप देखने वाले हैं। ओके, और ये टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं और अलग अलग टाइप के सिमेट्री ऑपरेशन किस तरीके से आप काम करते हैं। ओके, कायरलिटी में तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं सिर्फ नीलेश प्रसाद, और अभी तक हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो केमिस्ट्री के कंटेंट है आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहे। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक्चुअली में सिमेट्री ऑपरेशन होते क्या है। तो अ सिमेट्री ऑपरेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट लीव द ऑब्जेक्ट लुकिंग द सेम आफ्टर इट हैज बीन कैरिड आउट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप सिमेट्री ऑपरेशन की बात करो तो हम लोग किसी एलिमेंट के ऊपर, किसी कोई भी आप कंपाउंड ले लो, उसके ऊपर अगर हम लोग कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उस ऑपरेशन के बाद वो पूरा कंपाउंड तो सेम रहता है। ओके, और उस सेम कंपाउंड में बहुत सारी चीजें हम लोग हेयर बदल भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो बाहर से वो दिखने में कैसा होता है सेम ही होता है। चाहे आप उसके ऊपर कुछ भी कर लो, उसके बाद भी वो उसके अंदर कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो वैसी कौन कौन सी जो चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं एज अ ऑपरेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं। सबसे पहले आपको रोटेशन दिया है, रिफ्लेक्शन दिया है, इन्वर्जन दिया है और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन दिया है। तो ये जो चार यहाँ पे आपको सब टॉपिक्स दिए हैं, ये चार सब टॉपिक्स आपके मेन यहाँ पे प्ले कैरेक्टर्स प्ले करते हैं किसी भी ऑपरेशन के अंदर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके रोटेशन से। ओके, तो रोटेशन क्या होता है एक्चुअली में। रोटेशन आप कह सकते हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर आपका क्लॉकवाइज हो सकता है। ओके, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये दो तरह के रोटेशन होते हैं आपके। अगर आपके पास कोई सर्कल है तो हम लोग कह सकते हैं सर्कल के अंदर आपका अगर रोटेशन इस तरीके से हो रहा है तो क्लॉकवाइज, अगर इस तरीके से हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। दो ही आपके पास पॉसिबिलिटी है इसका। अगर आप एंगल देखते हो तो 360 होता है, तो 360 में अगर आप इस साइड रोटेट करोगे तो सबसे पहले ये 90 बनाएगा, उसके बाद ये 180 बनाएगा, और 270 बनाएगा, और 360 बनाएगा। तो इस तरीके से वो अलग अलग रोटेशन कर सकता है। तो इसमें क्या कहा है डेफिनेशन के अंदर, द रोटेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट टर्न द मॉलिक्यूल अराउंड द फिक्स एक्सिस। ओके, अगर कोई भी ये होता है, रोटेशन होता है, तो वो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या करता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन करता है, लेकिन वो फिक्स एक्सिस पे ही करता है। ओके, जैसे आपका 90, 180, ऐसे फिक्स एक्सिस पे ही क्या करेगा, वो रोटेशन करेगा। द एंगल ऑफ रोटेशन कैन बी ओनली इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में अगर हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले ले, अगर सपोज मैंने यहाँ पे सर्कल का एग्जाम्पल आपको समझाया है, वैसे ही अगर आप स्क्वायर का एग्जाम्पल ले ले, तो स्क्वायर के एग्जाम्पल में आपको पता है कि जो भी एंगल होते हैं स्क्वायर के अंदर, वो सारे कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर आप इस स्क्वायर को, अगर आप किसी भी तरीके से, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर को इस तरीके से है, अगर हम स्क्वायर को इस तरीके से रोटेट कर दे, ओके, ये वाला एंगल हम लोग, सपोज ये वाला एंगल हम लोग यहाँ पे लेके आ जाए, तो भी सारे के सारे एंगल क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, 90 के ही होंगे। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर कोई चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। हमने यहाँ पे रोटेशन किया, इसके अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी किया, लेकिन इसमें जो फिक्स एक एंगल है, एक्सिस है, वो सेम का सेम ही है, उसके अंदर कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते। तो इसी को हम लोग यहाँ पे रोटेशन कहते हैं। और रोटेशन यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है जो प्रॉपर रोटेशन होता है। ओके, प्रॉपर रोटेशन किसमें होता है, जो अकायरल मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसमें आपको प्रॉपर रोटेशन देखने के लिए मिलता है। अगर आप किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो ना इस तरीके से, अगर आप रोटेट करते हो तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप इन जो अकायरल कंपाउंड होते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसके अंदर आप देखोगे कि जो दो आपके ये हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिख रहे, ये दो हाइड्रोजन अगर आप इसको 180 डिग्री अगर रोटेट भी कर देते हो ना, तो ये वाला हाइड्रोजन, सपोज ये वन वाला है और ये टू वाला है, तो यहाँ पे आपका वन आ जाएगा और ये आपका टू हो जाएगा। इसके अंदर कोई चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है नहीं ना, इसके अंदर आपको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो अरेंजमेंट है रोटेशन के कारण वो चेंज हो गई है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर रोटेशन बोलते हैं। अगर आप इन प्रॉपर रोटेशन में देखोगे तो ये किसमें होता है, आपके कायरल कंपाउंड के अंदर होता है। जैसे अगर आपका यह हाथ है, ओके, इस हाथ के ऊपर, सपोज यह हाथ है, इस हाथ के ऊपर मैं अपना ये दूसरा वाला हाथ रखता हूं, तो क्या आप सारी उंगलियां मैच हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो ये साइड का जो अंगूठा है इस साइड है, और ये साइड का जो अंगूठा है इस साइड है, तो दोनों क्या है, जो लेफ्ट राइट में आपको थंब दिख रहा है,
यानी ये एक दूसरे के क्या है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज यहाँ पे फॉर्म कर रही है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रोटेशन कहते हैं। ओके, जहां पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। ऑफ कोर्स ये कायरल कंपाउंड हुआ, और कायरल कंपाउंड होने के कारण अगर हम इसको रोटेट भी करते हैं तो चारों की वैलेंसी यहाँ पे भी आपको डिफरेंट देखने के लिए मिल रही है, और इस तरीके के रोटेशन को हम लोग इम्प्रॉपर रोटेशन कहते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखें, जो हमारा रिफ्लेक्शन है, हमने रोटेशन देखा, अभी हम रिफ्लेक्शन देखेंगे। और रिफ्लेक्शन भी जस्ट लाइक द रोटेशन, दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, बहुत दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई प्लेन है, अगर आपके पास सपोज ये मेरे पास एक माउस है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसके सामने एक ये रखूं, मिरर रखूं, तो क्या मुझे सेम इमेज वहां पे मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ओके, वहां पे मुझे मिरर के अंदर यहाँ पे आपको कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे ये मेरे पास पेन है, ओके, इस पेन को अगर मैं सामने मिरर रख दूं इस तरफ, तो यहाँ पे भी आपको एक क्या होगा, यहाँ पे भी आपको एक सेम पेन दिखाई देगा। ओके, लेकिन अगर आप देखोगे रिफ्लेक्शन के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो है, अगर ये विंडो में आप देख सकते हैं, ये विंडो में भी सेम दिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो माइक आपको दिख रहा है ना, ये माइक मेरे इस साइड है, लेकिन आपको कैमरे में किस साइड दिख रहा है? इस साइड दिख रहा है। बस इतना ही फर्क होता है रिफ्लेक्शन के अंदर। ओके, तो ये सेम चीज है, आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ भी देखने के लिए मिलती है, चाहे आपका वाटर मॉलिक्यूल हो। ओके, और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल है आपको रिफ्लेक्शन के देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इसके डेफिनेशन की, अ रिफ्लेक्शन इज द सिमेट्री ऑपरेशन दैट फ्लिप एंड द ऑब्जेक्ट अक्रॉस द मिरर प्लेन। द मिरर प्लेन इज द प्लेन दैट डिवाइडेड द ऑब्जेक्ट इंटू द टू हेल्वस। ओके, ये बात से भी आप सेटिस्फाई करते हो, दैट आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसके सामने अगर आप मिरर रखते हो, तो सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी आपको फॉर्म होगा, यानी दोनों तरफ से यहाँ पे इक्वल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको फॉर्म हो रहा है। ओके, दोनों के अंदर कोई भी जो डिसिमिलरिटीज है वो आपको देखने के लिए नहीं मिल रही। ओके, या भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को दिया गया है जिसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको वाटर का एग्जाम्पल दिया गया है। सपोज मेरे पास वाटर का एग्जाम्पल है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मिरर बना देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मिरर यहाँ पे मैंने फॉर्म किया है। ओके, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या दोनों में आपको कुछ गलत लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है। अगर आप देखोगे कि ऑक्सीजन की सेम प्लेस है, हाइड्रोजन की भी प्लेस सेम है। ओके, दोनों में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, दोनों सेम एक ही प्लेस पे है। ओके, बस अब फर्क क्या है कि वो एक मिरर के उस साइड है और ये हमारा एक मिरर के इस साइड है, दोनों में बस यही फर्क है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर आपको कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते। उसी तरीके से आप बेंजीन का एग्जाम्पल ले लो, बेंजीन में भी अगर आप यहाँ पे मिरर फॉर्म करते हो, ओके, तो मिरर फॉर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपका जो बेंजीन है वो बेंजीन ही फॉर्म होगा, बेंजीन के अलावा और कुछ चीजें यहाँ पे फॉर्म नहीं होगी। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपका ये है, तो ये इस साइड फॉर्म हो सकता है, या ये वाला यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं बना देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो एक तरह से जो बॉन्ड का ये है डिस्प्लेसमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको जो मिरर है वो सेम आपको देखने के लिए मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर इमेज बोलते हैं, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला जो फिनोमेना है यहाँ पे काम करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि एंड द इन्वर्जन इज द सिमेट्री ऑपरेशन दैट टेक एंड द ऑब्जेक्ट टू इट्स मिरर इमेज। अगर कोई हमारे पास ऑपरेशन, यानी कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक मिरर में रखा। ओके, और मिरर इमेज में हमें यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कोई चेंजेस है? बिल्कुल नहीं है। द मिरर इमेज इज फॉर्म बाय पासिंग ईच पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू द पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ इन्वर्जन। यहाँ पे भी आपको सेंटर ऑफ इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है। जैसे अगर आप यहाँ पे मिथेन का एग्जाम्पल ले लो, मिथेन के एग्जाम्पल में अगर आप CH4 लेते हो, तो CH4 में अगर सपोज यहाँ पे आपका CH4 है, ये आपका क्या है, कार्बन है, ये आपके चार हाइड्रोजन है, अगर यहाँ से हम लोग ये सेंटर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिरर में रखते हैं, इन्वर्स करते हैं, तो क्या होगा कि आपका ये जो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे, और इंटरचेंज करने के बाद जैसे यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे थर्ड है, तो यहाँ पे आपका थर्ड और फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपका फोर्थ और सेकेंड है, तो सेकेंड और फोर्थ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो चेंजेस है आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इसी को हम लोग सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। ओके,
उसके बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है जो SF6 का है, उससे पहले यहाँ पे आप कुछ जो इन्वर्जन सेंटर के कुछ यूजेस हैं उसके हम देख लेते हैं। जैसे अगर आपकी किसी प्रॉपर्टीज आपको देखनी है किसी मॉलिक्यूल की, तो उसमें हम लोग सेंटर ऑफ इन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको उसके रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है तो उसमें भी हम लोग सेंटर ऑफ इन्वर्जन देखते हैं। ओके, यहाँ पे आप SF6 का भी एग्जाम्पल देख सकते हो, जिसके अंदर आपको वन एक क्या है आपका एक ये है सल्फर है, और बाकी के जितने जो 6 फ्लोरीन है वो आप आइटम यहाँ पे देख सकते हो। जिसमें क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे 6 फ्लोरीन दिए है तो ऑफकोर्स आपके तीन तीन क्या होंगे इस तरीके से डिवाइड होंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि तीनों का यहाँ पे 6 का 6 का आपको SF6 का अगर हमने यहाँ पे इन्वर्जन करवाया है, ओके यहाँ पे हमने इसका इन्वर्जन करवाया है, तो आप देखो कि इसके अंदर जो आपका ऐसे वो सेंटर है, लेकिन बाकी के जो चेंजेस है वो कहाँ पे हो रहे हैं आपके फ्लोरिन के साथ हो रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे जो फ्लोरिन है उन्होंने क्या किया है अपने पोजिशन को इंटरचेंज कर दिया है जो भी उस लाइन के अंदर है, और इस तरीके से आपको जो सेंटर ऑफ इन्वर्जन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो आई होप सो कि ये आपका जो सिमेट्री ऑपरेशन है ये वाला जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये जो नोट्स है आपको PDF नोट्स ये ऑफकोर्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने हिसाब से मेरा तो यही सजेशन रहता है कि आप अपने हिसाब से भी नोट्स प्रिपेयर करें, आप इसको एज अ ये ले सकते हैं रेफरेंस कंसिडर कर सकते हैं, आपके पास इससे ज्यादा अच्छा कंटेंट आप जमा कर सकते हैं सिमेट्री ऑपरेशन के ऊपर, तो आप उस हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करिए ताकि आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, आप अगर आप किसी क्लास में हो केमिस्ट्री का अगर आपको टॉपिक ये इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस है वो आपके लिए बना सके। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।